वेलकम बैक टू YouTube चैनल। कैसे आप सब केम छो का सका है? दिस इज दृष्टि। आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे सब फॉर्मूलास अलजेब्रा के, दैट इज मैथ्स 1 के, जो तुमको सिलेबस में है। आई होप सबकी पढ़ाई जोश जोश में शुरू है। इफ यू हैवंट दिस चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, हिट द सब्सक्राइब बटन। इफ यू आर एंजॉयिंग द वीडियोस, गिव इट अ थम्स अप एंड जितना हो सके इतना शेयर करो। लेट अस स्टार्ट आवर सेशन देन। Let us start discussing the formulas of very first chapter, that is linear equations in two variables. सबसे पहली चीज तुमको पता होना चाहिए उसका standard form, that is ax plus by plus c is equal to 0. यहाँ पे दो variables है x और y, उनके जो coefficients है कभी 0 नहीं रहने चाहिए, इसलिए ये I've written a comma b is not 0 and a b c real numbers में से कुछ भी हो सकते। Second चीज जो important है ये chapter में से is how to calculate determinant. फॉर एग्जाम्पल, अगर तुम्हारे पास ऐसा कोई डिटर्मिनेंट है जहाँ पे ए है, बी है, सी है, डी है, मतलब चार एलिमेंट्स है, उसका डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करने के लिए पहले तुम क्या करोगे? क्रॉस मल्टीप्लाई। ए और डी को मल्टीप्लाई करो, बी और सी को मल्टीप्लाई करो, फिर दोनों को सब्ट्रैक्ट करो। मीन्स यू आर गोइंग टू गेट ए डी माइनस बी सी एज द आंसर। नाउ मोस्ट ऑफ द टाइम्स ऑब्जेक्टिव्स में पूछते हैं ये जो डिटर्मिनेंट है ना, इसका डिग्री क्या है? डिग्री है 2, क्योंकि हर एक रो या हर एक कॉलम की बात करोगे सब में है दो दो एलिमेंट्स, इसलिए डिग्री इज 2। थर्ड चीज फ्रॉम दिस चैप्टर इज हाउ टू सॉल्व लीनियर इक्वेशंस यूजिंग क्रेमर्स रूल। क्रेमर्स रूल के लिए पहले तो तुमको डिटरमिनेंट कैलकुलेट करने आना चाहिए, फिर एक्स और वाई का वैल्यू इजिली कैलकुलेट करोगे यूजिंग द फॉर्मूला गिवन हियर। एक्स इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी, वाई इज इक्वल टू डी वाई अपॉन डी। ये जो कैपिटल डी है ना, वो है डिटर्मिनेंट। देन बात करते हैं सेकेंड चैप्टर की, दैट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। पहली इंपॉर्टेंट चीज स्टैंडर्ड फॉर्म पता होना चाहिए। यहाँ पे है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। अब अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है वो 0 नहीं होना चाहिए, बाकी जो भी कोएफिशिएंट्स कॉन्स्टेंट्स हैं वो रहेंगे रियल नंबर्स। सेकेंड चीज आता है इसमें फैक्टराइजेशन मेथड। उसके लिए कोई ऐसा पर्टिकुलर फॉर्मूला नहीं है, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना इजीली सॉल्व कर सकते हो यूजिंग फैक्टराइजेशन मेथड। देन आता है फॉर्मूला मेथड। फॉर्मूला मेथड में हमारे पास फॉर्मूला रहता है दो रूट्स कैलकुलेट करने को। फॉर्मूला इज दिस, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अब यहाँ पे ए बी सी का वैल्यूज कहां से मिलेगा? ये दिख रहा है जनरल फॉर्म क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। जो भी क्वेश्चन रहेगा ना, अकॉर्डिंगली ए बी और सी का वैल्यूज निकालो विथ देयर प्रॉपर साइंस। अगर माइनस है तो माइनस के साथ प्लीज यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करो, यहाँ पे बहुत लोग मिस्टेक्स करते हैं। नाउ व्हेन टू यूज फैक्टराइजेशन मेथड, व्हेन टू यूज फॉर्मूला मेथड। फैक्टराइजेशन से ट्राई करो, फैक्टर्स थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा फाइंड कर रहे हैं तो यू कैन यूज फॉर्मूला मेथड। बट अगर क्वेश्चन में मेंशनड है सॉल्व यूजिंग फॉर्मूला मेथड, फैक्टराइजेशन किया कोई और मेथड किया कंसिडर नहीं करेंगे, फॉर्मूला मेथड से ही सॉल्व करना है। देखते हैं डिस्क्रिमिनेंट क्या है। डिस्क्रिमिनेंट मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू। ये जो इक्वेशन है ना, उससे b, a और c का वैल्यूज मिल जाएगा, सब्स्टिट्यूट करो फिर तुमको डिस्क्रिमिनेंट मिल जाएगा। डिस्क्रिमिनेंट मतलब इसकी वजह से जो रूट्स है ना, हमको अलग अलग नेचर के मिलते हैं। अगर डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू मुझे पॉजिटिव नंबर आया तो हम बोलेंगे रूट्स जो है वो रियल एंड अनइक्वल है। दो रूट्स है ना, रियल है और दोनों अनइक्वल है, इक्वल नहीं है। अगर डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू मुझे आया 0, हम बोलेंगे रूट्स रियल है अनइक्वल है। अगर डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू नेगेटिव आया, हम बोलेंगे नहीं 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 नहीं, रूट्स रियल ही नहीं है, ठीक है। इसके बाद आता है सम एंड प्रोडक्ट्स ऑफ रूट्स। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है तो दो रूट्स आने वाले हैं, दोनों का सम पता करने के लिए यू कैन जस्ट यूज दिस फॉर्मूला, दैट इज माइनस बी अपॉन ए। अगेन आई एम टेलिंग बी का प्रॉपर साइन के साथ यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना। देन प्रोडक्ट की बात करोगे तो इट इज इक्वल टू सी अपॉन ए। नाउ अगर तुमको प्रोडक्ट दिया है क्वेश्चन में एंड सम ऑफ रूट्स दिया है, तुमको बोला है फॉर्म अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्या करेंगे? ये वाला फॉर्मूला दिख रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इनटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू 0। सम ऑफ रूट्स का वैल्यू यहाँ पे डाल देंगे, इनटू एक्स लिख देंगे, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का वैल्यू यहाँ पे डाल देंगे, थोड़ा कुछ सिंप्लीफाई हो रहा है तो सिंप्लीफाई करेंगे एंड दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देन बात करते हैं थर्ड चैप्टर की, दैट इज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। हमारे पास एक सीक्वेंस जिसके कोई भी दो कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स लोगे, डिफरेंस जो है वो है सेम, इसलिए इसको बोलते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन।
हमारे पास एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है t1, t2, t3, डॉट 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 डॉट. नाउ t1 मतलब फर्स्ट टर्म, t2 मतलब सेकंड टर्म, t3 मतलब थर्ड टर्म. ऐसे करते 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 आगे जाओगे tn मतलब nth टर्म एंड सो ऑन. a जो है हमेशा रिप्रेजेंट करता है फर्स्ट टर्म को, d हमेशा रिप्रेजेंट करता है कॉमन डिफरेंस को. कोई भी दो कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स लो, उनको सब्ट्रैक्ट करके तुमको आने वाला d का वैल्यू. मतलब सेकंड टर्म को फर्स्ट के साथ सब्ट्रैक्ट करो, थर्ड को सेकंड के साथ सब्ट्रैक्ट करो, या फोर्थ टर्म को थर्ड के साथ सब्ट्रैक्ट करो. कोई भी दो कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स लोगे ना, नेक्स्ट वाले टर्म को पहले वाले के साथ सब्ट्रैक्ट करोगे, कॉमन डिफरेंस मिलेगा. देन अगर तुम्हारे पास फर्स्ट टर्म है, कॉमन डिफरेंस है, पूरा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन फाइंड कर सकते हो. कैसे? t1 मतलब फर्स्ट टर्म तो ए ही रहेगा. t2 के लिए हम पहले वाला जो टर्म था t1 उसके साथ d ऐड करेंगे, कॉमन डिफरेंस. t3 के लिए सेकंड वाले टर्म को d के साथ ऐड करेंगे. t4 के लिए थर्ड वाले टर्म को d के साथ ऐड करेंगे, एंड सो ऑन. देन बात आती है हाउ टू कैलकुलेट nth टर्म ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन. उसके लिए भी फॉर्मूला है tn इज इक्वल टू a प्लस ब्रैकेट के अंदर n माइनस 1 इनटू d. अगर क्वेश्चन में टर्म ये बोला है ना, तो यही फॉर्मूला यूज करना है. देन आता है सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स, उसको डिनोट करते हैं sn के साथ. अगर वर्ड सुना तुमने सम, तो ऑब्वियसली ये तीनों में से जो भी रेलेवेंट फॉर्मूला रहेगा यू आर गोइंग टू यूज इट. अब कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स की बात करेंगे तो कैसे कैलकुलेट करना है. कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स मतलब बाजू बाजू के टर्म्स. थ्री कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स एपी के हमेशा रहेंगे ए माइनस डी कॉमा ए कॉमा ए प्लस डी. फोर कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स चाहिए, तो जो तीन कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स है उसके साथ और एक टर्म लिख दो, दैट इज ए प्लस 2d. फाइव कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स चाहिए, तो चार कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स जो है ना उसके बाजू में लिख दो ए प्लस 3d. दिस वॉज एवरीथिंग अबाउट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन. लेट अस स्टार्ट डिस्कसिंग अबाउट प्रोबेबिलिटी चैप्टर. प्रोबेबिलिटी मतलब पॉसिबिलिटी. इसमें से सबसे पहली चीज पता होनी चाहिए तुमको सैंपल स्पेस. जो भी कुछ एक्सपेरिमेंट हो रहा है उसके जितने भी पॉसिबल आउटकम्स है उनका जो सेट रहेगा दैट विल बी सैंपल स्पेस. इसको डिनोट करते हैं यूजिंग कैपिटल लेटर एस और ओमेगा. ये जो साइन दिख रहा है ना वो ओमेगा का साइन है. ये सेट के अंदर जितने भी एलिमेंट्स रहेंगे ना, मान लो 10 एलिमेंट्स हैं, तो हम बोलेंगे एन ब्रैकेट के अंदर एस इज इक्वल टू 10. मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस इज 10. फिर बात करते हैं इवेंट की. जो हमारा सैंपल स्पेस है उसमें से हमारे लिए जो जो फेवरेबल आउटकम्स है उनका सेट बना दो. वो हो गया इवेंट ए. उसके अंदर जितने एलिमेंट्स है उसको डिनोट करेंगे एन ए के साथ. देन आई हैव गिवन यू सम एग्जांपल ऑफ फाइनाइट सैंपल स्पेसेस. फाइनाइट मतलब इसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स है उनका नंबर विल बी अ फाइनाइट नंबर. जैसे है वन कॉइन को टॉस किया, एक कॉइन को टॉस किया, तो सैंपल स्पेस क्या रहेगा और कितने एलिमेंट्स रहेंगे. फिर दो कॉइन को टॉस किया, तीन कॉइन्स को टॉस किया, एक डाई को थ्रो किया, दो डाइस को थ्रो किया, या फिर कॉइन और डाइस को थ्रो किया, तो सैंपल स्पेस क्या रहेगा एंड कितने एलिमेंट्स रहेंगे. इसका एक अच्छा सा टेबल फॉर्म करके दिया है मैंने. यू हैव टू गो थ्रू दिस. देन बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं कार्ड्स के ऊपर. मोस्ट ऑफ यू मस्ट बी प्लेइंग कार्ड्स. पता होना चाहिए 52 कार्ड्स रहता है, 26 रेड कलर का रहता है, 26 ब्लैक कलर का रहता है. ये जो 26 रेड कलर के है ना, उसमें से 13 कार्ड्स है हार्ट कार्ड्स, 13 कार्ड्स है डायमंड कार्ड्स, ब्लैक कार्ड्स में से 13 क्लब कार्ड्स है, 13 स्पेड कार्ड्स है. टोटल कार्ड्स में से 12 कार्ड्स रहते हैं फेस कार्ड्स, मतलब क्वीन किंग और जैक्स. चार राजा, चार रानी और चार जैक्स रहते हैं. सो टोटल 12 फेस कार्ड्स रहते हैं. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, प्रोबेबिलिटी जो है हमेशा लाया करता है 0 और 1 के बीच में. 1 से ज्यादा आंसर नहीं मिल सकता प्रोबेबिलिटी का कभी, या तो उसका आंसर कभी नेगेटिव नहीं हो सकता. विद दिस हमने सब फॉर्मुलाज डिस्कस किए जो तुमको सिलेबस में है. डू नॉट वरी, इसका PDF फाइल पोस्टेड इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. उधर से डाउनलोड करके यू कैन इजीली गो थ्रू ऑल द फॉर्मूलाज. एंड रिमेंबर, रोज फॉर्मूलाज गो थ्रू करना ही है, अदरवाइज यू विल फॉरगेट इट एंड एग्जाम के टाइम इट विल बी प्रॉब्लमैटिक. सो दिन में 5 मिनट निकाल के एक बार रिवाइज कर लेना ये पूरा PDF. आई होप यू एंजॉयड इट. मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में. तब तक के लिए हैव अ नाइस डे. कीप लविंग एंड एंजॉइंग मैथ्स. बाय बाय. एडियोस अमीगोस.